फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, TG113 की रिपेयरिंग की एक वीडियो तो वायरल हो चुका है। उसमें आपने बहुत सारे भाई ने रिक्वेस्ट किया कि एक डेड स्पीकर को आप रिपेयर करके दिखाओ या फिर इसका बोर्ड कहाँ से मिलेगा, ये सब कमेंट आया था। तो इसका मतलब कि आपका बोर्ड डेड हो चुका है। मेरा भी ऐसा एक स्पीकर आया है मेरे पास, इसको आज हम जीवन दान देंगे। इसका जो ये पिन है, इसको मैंने चेंज किया था। उसके बाद देखा कि ये जो IC है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। इसका मतलब ये IC गया। ओके, तो ये वाला IC या फिर ये बोर्ड दोनों ही नहीं मिलते हैं मार्केट में। तो क्या आप इस स्पीकर को फेंक देंगे? नहीं, इसको हम जीवन दान देंगे इस छोटा ब्लूटूथ मॉड्यूल से। इस मॉड्यूल का दाम है 50 रुपया। ये मार्केट में, हर मार्केट में अवेलेबल है लगभग। ओके, तो दोस्तों इसका कनेक्शन हम जोड़ देंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है, ये इस बटन से ऑन होता था, लेकिन अभी जो मॉड्यूल हम लगाएंगे, इसमें ऐसा ऑन ऑफ की कोई ऑप्शन नहीं है, और माइक्रो SD कार्ड और पेन ड्राइव का भी ऑप्शन नहीं है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में। तो इसके लिए हम इस सिंपल मॉड्यूल को ऑन करने के लिए एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्विच को हम इस बोर्ड के ऊपर फिट करेंगे USB पोर्ट की जगह। ओके, तो इस USB पोर्ट को हम खोल देंगे और इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। ओके, और इस USB का जो कटआउट है प्लास्टिक में, यहाँ पे ये स्विच अच्छे से फिट आ जाता है। तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो फ्रेंड्स आइए इस IC का कनेक्शन देखते हैं, कहाँ से ये पावर ले रहा है। ये हीट हो रहा है, मतलब ये बैटरी का पावर खा रहा है। तो इसके लिए हमें इस IC का पावर लाइन को काट कर देना है। तो इसका पावर लाइन कहाँ पे है, ये आपको मल्टीमीटर से ढूंढना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव और इस पिन के साथ कंटिन्यूटी टेस्ट करके। या फिर आप ट्रैक फॉलो करने के लिए पीछे से एक लाइट मार सकते हैं, तो ये ट्रैक अच्छे से दिखता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप काट के इस IC को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा इसको उखाड़ के फेंक देने को। ओके, ऐसे डिस्टर्ब कर सकता है इसका नया ब्लूटूथ मॉड्यूल को, तो इसलिए हम इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से पेस्ट दे के हीट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, तब ये निकलेगा। और अगर नहीं निकल रहा है तो इसको साइड से थोड़ा सा फोर्स करना किसी चीज़ से, अगर आपके पास हीट गन नहीं है। ऑफकोर्स हीट गन है तो कोई बात नहीं, अच्छे से निकल जाता है। ओके, तो ये मेरे पास ये निकल गया। और इसका जो IC है, ये नहीं मिलता मार्केट में और ये डैमेज्ड है, फेंक देंगे। और इस क्रिस्टल को भी हम निकाल लेंगे, क्या पता कभी ये काम में आ जाए। तो ये क्रिस्टल है 24 MHz की। ओके, तो रख लेंगे इसको। और दोस्तों ये इस पोर्ट को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ पर स्विच इंस्टॉल करना है। तो ओके, चलिए इसको निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए भी मैं एक हॉरिबल ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ट्रिक आपको भी इस्तेमाल करना होगा, लेकिन बहुत सावधानी से करना, ज़्यादा तेज करेंगे तो नुकसान ही होगा। ओके, तो ओके, मेरा पोर्ट निकल गया है। अब यहाँ पे ये जो बोर्ड है, इसके ऊपर जो कलर है, इसको हम थोड़ा सा छील लेंगे और यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्विच को अच्छे से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है, इसलिए हम इस सोल्डरिंग को कर रहे हैं। यहाँ पे स्विच को बैठा के सोल्डरिंग कर देंगे, तो ये स्विच को प्रेस करने से या फिर हिलाने से ये स्विच निकलेगा नहीं। ओके, तो इस तरह से आप स्विच को सोल्डरिंग करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ट्रायल एरर करने के बाद एक बार आपका सोल्डरिंग बहुत अच्छे से लग जाएगा। ओके, मेरा मानना है ये, और ये काफ़ी अच्छे से मजबूत बन जाएगा। ओके, अब दोस्तों इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए आप साइड में कहीं किसी और कनेक्शन में सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आप देख लीजिए कि वो कनेक्शन कहीं पर डिस्टर्ब ना करे इसके साथ लग के, क्योंकि जो स्विच का बॉडी है ये नेगेटिव है। तो एक ऐसा कनेक्शन में लगाए जिसके साथ नेगेटिव लगाने से कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो दोस्तों ये रहा मेरा सिस्टम। और दोस्तों यहाँ पे जो IC लगा हुआ है, एम्पलीफायर IC, ये मिक्स 2018 है। तो इसका डाटा शीट आपको मिल जाएगा नेट पे। तो ये जो एक नंबर के पिन है, ये इसका शट डाउन पिन है, मतलब इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया तो ये ऑन होता है, और इसमें पॉजिटिव दे दिया तो ये शट डाउन हो जाता है IC। तो इस तरह से ये ब्लूटूथ IC इसको हैंडल कर रहा था, मतलब ब्लूटूथ IC इसको ऑन ऑफ कर रहा था। लेकिन इस केस में हम इसको ऐसे एक जम्पर बना देंगे ताकि ये हमेशा ऑन ही रहे। इसको जम्पर बनाएंगे नेगेटिव और इस एक नंबर के पिन के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव मिलेगा और ये हमेशा ऑन रहेगा ये IC। ओके, अब दोस्तों एक मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे ये IC ऑन है कि नहीं। तो मल्टीमीटर की इस वाली मोड में देंगे, और इसकी जो इनपुट पिन है, ये वाला 4 नंबर की पिन, इसमें हम देंगे। और साइड में कुछ रजिस्टर कैपेसिटर रहेगा, उसमें हम देखेंगे कि ये
काम कर रहा है या नहीं। तो वो जो रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है उसके बाद ही हमको इनपुट देना है ऑडियो का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो एलईडी लगा हुआ है, ये दोनों एलईडी सीरीज में है क्योंकि इसमें एक में मैं वोल्टेज दिया तो दोनों ही जल रहा है, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें इसके बीच में जो सीरीज कनेक्शन है इसको काट देना है और दोनों एलईडी को अलग कर लेना है। ये नेगेटिव इसमें देंगे तो रेड जलेगा और पॉजिटिव इसके साथ देंगे तो ये ब्लू जलेगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने दो रजिस्टर देके दोनों एलईडी का कनेक्शन कर दिया। अब ये चार्जिंग पिन से ये रेड एलईडी जलेगा और यहाँ पे एक डायोड लगा है इसलिए क्योंकि इस बोर्ड का जो चार्जिंग सिस्टम है ये बैटरी तक जाता नहीं है, ये भी ख़राब है इसका। तो आपके केस में अगर ये सही है तो आपको ये डायोड लगाना नहीं है। और ये देखिए चार्जिंग पे ये रेड जल रहा है और स्विच ऑन करने से ये ब्लू जल रहा है, मतलब ये एलईडी का नोटिफिकेशन का काम तो हमारा हो गया। अब हम बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए बोर्ड में तीन तार मैंने ऑलरेडी लगा के रखा, ग्राउंड प्लस 5 वोल्ट और राइट चैनल की आउटपुट। तो यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट को आप देख के ही कनेक्शन करना, इसको उल्टा कर दिया तो आपका ये मॉड्यूल भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर कैपेसिटर जो था इनपुट लाइन में 4 नंबर के पिन के साथ लगा हुआ, इसके साथ हम इसकी राइट चैनल की आउटपुट जो है इसको हम यहाँ पे दे देंगे। और दोस्तों उसके बाद ये बैटरी की पॉजिटिव लाइन को स्विच की इस पिन में देंगे तो ही स्विच ऑन होने के बाद ही यहाँ पे वोल्टेज आएगा। और दोस्तों जो चार्जिंग की सिस्टम था वो दूसरा पिन में दिया, उसमें डायरेक्टली बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड होगा वह बाद में बताऊंगा, और इस नेगेटिव को भी यहाँ पे बॉडी में कहीं पर लगा देना है। अब दोस्तों ये जो बैटरी की लाइन है इसको खोल के नेगेटिव को डायरेक्ट जोड़ना है और पॉजिटिव को इस वाले पॉइंट पर जोड़ना है, तो चार्जिंग डायरेक्टली होगा बैटरी तक जाएगा और जो बैटरी से जो वोल्टेज जाके बोर्ड को ऑन करेगा वो स्विच के अंदर से जाएगा, तो स्विच ऑन करने से ही बोर्ड ऑन होगा और स्विच ऑफ रहने से भी चार्जिंग चलता रहेगा, तो यही चाहिए हमको। तो इसलिए हम इसको इस पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देंगे। काम हो गया कंप्लीट। और दोस्तों यहाँ पे हमने ब्लूटूथ का जो एक ही चैनल का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे सिंगल 8 पिन वाला आईसी लगा हुआ है, अगर आपके केस में 16 पिन वाला या फिर डबल 8 पिन वाला आईसी लगा हुआ है तो आप लेफ्ट और राइट दोनों चैनल को ले लें। तो इस पॉइंट पर मेरा रिपेयरिंग कम्प्लीट हो चुका है, अब हम इसमें स्क्रू लगा देंगे। तो इसमें मेरा बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ा और बहुत टाइम भी गया, तो इसलिए मैंने इसका बिल करूँगा 100 रुपया, जहाँ पे 50 रुपया इस मॉड्यूल की और बाकी 50 मेरा मेहनत या दिमाग की आप कह सकते हैं। तो आप कमेंट्स में बताइए ये बिल मेरा ठीक है कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा हॉट ग्लू देके सिक्योर कर देंगे यहाँ पे, अब इसको लगा देंगे। अब फाइनल स्क्रू लगाने की बारी है, तो इसको भूलना मत, इसको लगाना होगा नहीं तो कस्टमर डांटेगा। अब स्क्रू को टाइट करके इसके ऊपर का जो कवर था इसको हम लगा देंगे। ये कंप्लीट हो चुका है, आप इसको टेस्टिंग कर लेंगे। ये जल रहा है और ये ऑन भी हो चुका है। तो ये देखिए इसका साउंड को ऑन करेंगे तो ये लॉकडाउन में जो म्यूजिक चल रहा है डीजे लग रहा है फेस्टिवल सीजन है, तो उसको आप काफ़ी अच्छे से नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, इसमें ओनली ब्लूटूथ मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ खोना पड़ा। जो भी है इसको एक बार जीवन दान मैंने दे दिया। और ये देखिए चार्जिंग का भी इंडिकेटर ठीक से काम कर रहा है, मतलब नो प्रॉब्लम, पूरा स्पीकर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आ गया तो शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।